वगैरह, तो आप बताएं कि इसकी उम्र कितनी है। जिसमें मैंने उनको खुद बताया कि सर इसका बर्थ सर्टिफिकेट की उम्र में तकरीबन 17 साल और 11 महीने इंसिडेंट के साथ साथ अभी बच्ची की साल तकरीबन जो 14 साल इसकी उम्र बनती है। साथ साथ जैसा आपने डायरेक्शन ये दी कि भाई बच्ची का जो वो मेडिकल कराया जाएगा और 8 तारीख तक बच्ची को जो है वो यहाँ पर दोबारा पेश किया जाएगा और साथों साथ और जब मेडिकल करा करके यहाँ पर दोबारा हेयरिंग किया जाएगा जब तक बच्ची को जो है वो दारुल अमान सेफ हाउस में रखा जाएगा, पना शेल्टर हाउस में। अभी आर्डर साहब ने यही कहा कि पना शेल्टर हाउस में इसको रखा जाएगा। साथों साथ लाजमा ने जो जहीर जो लड़का पकड़ा गया और साथ में जो काफ़ी सारे बहुत जो गैंग के लड़के थे उनके साथ वो भी पेश यहाँ पर तो नहीं हुए, साथ में पुलिस की कस्टडी में, होपफुली है कि वो भी आज जो है वो था इसमें जुडिशल कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा उनको। यहाँ पर यह भी पता चला कि 8 तारीख तक उनको भी रिमांड में रखा गया। पुलिस का रवैया आपने देखा ना, पहले मुलाकात करने दी सर, पुलिस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं। अच्छा देखें आपके सामने जी बताएं, पुलिस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं की, एक सेकंड के लिए मिलने नहीं दिया गया। 51 डेज के बाद मेरी बेटी आई, उन्होंने एक सेकंड के लिए बात तक नहीं करने दी। उसके बाद अभी मेडिकल का बोला है, मेडिकल मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूं कि बच्ची अंडर 14 थी उस वक्त और मेडिकल में इंशाल्लाह वो 14 साल प्रूव होगी। अच्छा देखें आपने यहाँ पर जो बच्ची यहाँ पर पेश भी हुई है, आपने भी देखा होगा कि बच्ची की उम्र इतनी है भी नहीं, बच्ची तकरीबन 15 साल से भी ऊपर की नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंटेशन है हमें अभी भी खतरा है क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। और साथ साथ में देखें साथ साथ में ये भी बच्ची जिनके साथ जो ज़हनी दबाव डाला गया, बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया, अब इंशाल्लाह मेडिकल आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि मेडिकल किस तरह और कौन सा मेडिकल बनाया के जा रहा है। जिस तरह से निमरा का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था या इस तरह का न हो कि कल मेडिकल इसका 2000 का भी इस तरह का मेडिकल ना आ जाए। हमें पुलिस पे खर्चा है, हमारे साथ पुलिस ने कोई कॉपरेट नहीं किया। बच्ची रात से यहाँ पर देर तक पहुँची, अभी जाकर के उनके ऑनरेबल कोर्ट के सामने यहाँ पर पेश किया गया है। बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पता चल जाएगा कि मेडिकल में क्या रिजल्ट आ रही है। अच्छा ये बताएं जो बच्ची सामने सबके खड़ी थी, हमें तो नहीं लगा कि वो बच्ची पर कोई तशद्दुद किया गया, दबाव है या नहीं वो तो बात किया, मेडिकल आ जाएगा, अगर मेडिकल आपके मुताबिक नहीं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो देखें बात ये है कि न आप डॉक्टर हैं न मैं डॉक्टर हूँ, बात यह है कि लाजमा ने जो बच्ची 2 महीने तक उनके पास कस्टडी में होती है, तो जनाब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्ची के साथ किस तरह की ज्यादतियाँ हुई होंगी। आप देखें उनके किस तरह की रिकॉर्डिंग की गई होगी, सीसीटीवी अपना सीडी बनाई गई होगी, कोई इस तरह की इमोशनल को डॉक्यूमेंट्री बनाई गई होगी। लाजमन बच्ची उनके हैंड में, हमें तो लाजमन वो मिलने ही नहीं दिया, उनके पेरेंट के साथ मुलाकात नहीं की गई, तो हमें कैसे पता चलेगा बच्ची के साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई है किस तरह की। हम तो अभी भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि बच्ची के ऊपर अभी भी प्रेशर है, बच्ची अभी भी ज्यादती है, बच्ची की नींद भी पूरी नहीं, बच्ची की आंखों में से लग रहा था, माँ बाप मिलने के लाजमा ने उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया गया है तभी उसने कहा कि मैं नहीं मिल सकती। अच्छा देखें मेरे भाई आप देखें आपका कोई ला से बैकग्राउंड नहीं, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये सिंध का ला एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये सिंध की बेटी है, सिंध से गई है, FIR भी सिंध में कटी गई, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कटी गई, ला भी हमारा सिंध का प्रिवेल करेगा, ला भी हमारा ही चलेगा, यहाँ का कोई पंजाब का ला नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ की बेटी है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो पंजाब का बेटा है उसके मुताबिक उसका निकाह कर लाहौर में हुआ है और वहाँ के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, ऑफेंस यहाँ हुआ ही नहीं तो आप कैसे। अच्छा देखें बात ये ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप यहाँ पर बच्ची को जांसा डाल करके आप यहाँ से लेके जाओ दूसरे का कानून क्या वो बता। अरे बाबा वो भी बता रहा हूँ थोड़ा सा आप जज्बा तीनों बता। देखें पंजाब में होता है कि 16 साल तक आप बच्ची की शादी हो सकती है, ठीक है ना, सिंध का कानून ये इस तरह का इजाज़त नहीं था, वो 18 साल तक है। आप ये नहीं होता कि आप यहाँ से बुला फुसला करके बच्ची के साथ ज्यादती करके आप एक प्रोविंस के दूसरे। अभी देखें यहाँ पर जो ला बनाया जाता है, ला का एक मैंडेट होता है, आप एक सिंध का ला होता है, उस सिंध के वायलेशन हो रही है, सिंध की लॉ की वायलेशन हो रही है, जो ला जिस सूबे के लिए बना गया तो आप मैंडेट उसी का ही है। आप ये नहीं है कि पंजाब का मैंडेट आप चोरी यहाँ से करके आप कल के जाएं वहाँ पर कि वहाँ पर सर माफी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आपने किसी के साथ किया है तो जुल्म तो आपको लाजमन सजा उस कानून के तहत उसके सूबे के तहत आपको दी जाएगी। जुल्म का हुआ वो तो बता रहे हैं मेरे भाई, देखें निकाह का, देखें नहीं निकाह वो देखा वो तो देखें यहाँ पर निकाह की बात, देखें बात मेडिकल आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी वो तो साबित, देखें निकाह के लिए सुन ले एक सवाल करेगा तो बंदा देखें।